इस वक्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करें। और इस चैनल के जरिए हम आप तक बहुजन मुद्दों की सार्थक चर्चा पहुंचाते रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बामसेफ की, और बामसेफ के बारे में हम जान रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे साथ हैं वामन मेश्राम जी। 500 सीटों पर प्रभाव डालने वाला पॉलिटिकल क्लाउड 10 साल में पैदा हो जाएगा 500 जी, लोकसभा में। तो प्रभाव डालने वाले आपके इस पावर का लाभ किसको मिलेगा? तो हम जिसको चाहे उसको हरवा देंगे, जिसको चाहे उसको जितवा देंगे। बीएसपी को कब जितवाएंगे साहब? बीएसपी को हम लोगों ने भटके हुए लोगों की पार्टी घोषित कर दिया है। अच्छा। बी बी शब्द का अर्थ कांशीराम जी ने बनाया था बहुजन, मायावती ने बनाया ब्राह्मण समाज पार्टी, बी फॉर ब्राह्मण। वो ब्राह्मणों के लिए मुद्दे उठाते हैं, मंदिर खोलो, मंदिर बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, राम मंदिर का समर्थन कर दिया। ये तो आरएसएस भी करती है ना, आरएसएस भी बाबा साहब की जयंती मनाती है बड़े पैमाने पर, और आरएसएस भी इस प्रकार की चीजें करती रहती है, तो क्या तो दिक्कत है इससे क्या छोटी, इससे क्या राजनीति में? छोटी मछली बड़ी नहीं, इससे क्या छोटी मछली बड़ी मछली को निगल जाएगी? अच्छा। अगर आरएसएस बाबा साहब का जन्मदिन मनाती है तो वो मछली को जाल डालती है ताकि मछली को जाल में फंसाया जा सके। तो जब कोई परशुराम का मंदिर बनाने का वादा करता है तो वो ब्राह्मण उसके जाल में अटकने वाला है? नहीं तो अटक तो गया था, अभी एक बार सरकार उसके माध्यम से बनी तो थी। ईवीएम में घोटाला करवा के मायावती की सरकार बनाई गई, ईवीएम में घोटाला करवाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई गई, और जब दोनों को फायदा देने के बाद जब बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती तो ये दोनों के दोनों चिल्लाए कि ईवीएम में घोटाला हुआ। घोटाला तो हुआ था जी, बात सही है। तो बीजेपी ने जवाब दिया, जब तुमको बहुमत मिला तो तब हमने तो नहीं कहा था कि घोटाला हुआ। जब 2007 में मायावती को बहुमत मिला जी, तो बीजेपी ने कहा हमने तो नहीं कहा घोटाला हुआ, कि अकेले बीएसपी को बहुमत कैसे मिल गया, अकेले समाजवादी को बहुमत कैसे मिल गया, अकेले दोनों पार्टी बहुमत हासिल करने वाले हासिल करने के लायक नहीं थे। और जब उनको रिजल्ट लगा तो उनको खुद आश्चर्य हुआ कि हमको क्लियर मेजोरिटी कैसे मिली जी। तो ये क्लियर मेजोरिटी ईवीएम के द्वारा उनको घोटाला करवा के फायदा दिया गया, ताकि तीसरी बार जब हम घोटाला करके बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो इनका नाम लेकर, ईवीएम का नाम लेकर ये लोग चिल्लाएंगे तो हम इनका मुंह बंद करेंगे कि तुमको बहुमत मिला तो हमने तो नहीं कहा था कि ईवीएम में घोटाला होके तुमको बहुमत मिला जी। तो ऐसा जवाब देने के बाद बीजेपी के लोगों ने एसपी और बीएसपी के लोगों का मुंह बंद हो गया। अच्छा। कोई उनके पास आर्गुमेंट नहीं था। और आपके जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं, मैंने मायावती को चुनाव के 2-3 महीने पहले सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेजे थे कि ये चुनाव में 2012 के चुनाव में विधानसभा में आपके साथ नहीं, 2017 के चुनाव में आपके साथ में धोखाधड़ी होने वाली है जी, आप सतर्क रहो। जब मायावती ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही हुआ तो मायावती दोपहर में 4 बजे टीवी पर आई और कहा कि हमारे पुराने बामसेफ के साथियों ने हमें सारा डाटा भेजा था, हमने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, वो डाटा मैंने ही भेजा था जी। मगर मायावती बाद में जागी, तब तक कुंभकर्ण की तरह सोती रही। मैंने सारा डाटा देने के बाद उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। और ईवीएम का
मुद्दा उठाया नहीं, तो उसके साथ जब धोखाधड़ी हुई तो फिर टीवी पे आके बोला कि ईवीएम में घोटाला हुआ जी। और घोटाला हुआ तो फिर इन्होंने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद बीजेपी के लोगों ने उनको यह जवाब दिया कि आपको जब बहुमत मिला तो हमने नहीं कहा, इसके बावजूद भी जब मायावती ने आंदोलन का ऐलान किया, मायावती को मैसेज दिया गया बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि बहन जी आप जेल में जाना चाहती है तो हमें ऐतराज नहीं है जी, हम आपका स्वागत करेंगे। तो मायावती को मैसेज चला गया कि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और मायावती को जेल में डालने की फाइलें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जो आंदोलन घोषित किया था मायावती ने वो आंदोलन पीछे ले लिया, आपको भी मालूम होगा जी। तो अब भविष्य जो मायावती के बीएसपी का जो भविष्य है वो कुछ का कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, उनके 21 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए थे, सारे देश भर में एट्रोसिटीज होती थी SC ST पर, एक बार भी मुद्दा नहीं उठाया। नहीं तो अगर बीएसपी का भविष्य नहीं है तो उसके पैरेलल कोई दूसरी व्यवस्था इस वक्त है, कोई विकल्प है? विकल्प तो शून्य में खड़ा नहीं होता है ना, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है जी। और हमारी वजह से ही तो बीएसपी का विकल्प बना था, वामसिम की वजह से। वामसिम तो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, निश्चित मदर ऑर्गेनाइजेशन है। कांसीराम साहब की एक कांसीराम साहब का ही एक सपना था ये। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि बामसेप ने ही बीएसपी पैदा की थी, तो इसका मतलब है बामसेप के पास असीम संभावनाएं हैं राजनीति में सफलताएं हासिल करने की। जितनी काशीराम जी ने बीएसपी बनाने के दौरान ताकत थी, अभी उससे ज्यादा ताकत हो गई है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट आएगा जी। अच्छा, सेंट्रल में बीजेपी सेंट्रल में पहुंचने के लिए 1925 को RSS बना और 99 को लगभग 99 को अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने और वो भी 24 पार्टियों के समर्थन से जी। तो 25 और 99 74 साल लग गए उनको। अभी तो हमारे बामसिप की गतिविधियों को केवल 43 ईयर हो गए। अगर नहीं तो इतने सालों तक, इतने साल लग गए आरएसएस को अपनी एक पार्टी को राजनीतिक रूप से पूरा सब कुछ सौंपने में, इतना साल लग गए। उसने कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा, बट बामसेप ने बीएसपी का साथ क्यों छोड़ दिया? बीजेपी ने कभी या जनसंघ ने कभी उनके उद्देश्य और विचारधारा का कार्यक्रम छोड़ दिया? नहीं, लेकिन अपनी पार्टी का साथ तो नहीं छोड़ा। जो जनता पार्टी में जब वो जनसंघ विलीन हो गया, आपको याद है इमरजेंसी के बाद जी, 98 लोकसभा की सीटें जनसंघ की चुनकर आई और उसके बाद ये जो दाव पे था जनसंघ का जनता दल में विलीन करने का जनता पार्टी में, और पहले नंबर का फायदा जनसंघ को हुआ क्योंकि लोक दल को ज्यादा सीटें चुनकर आई थी चरण सिंह को, मगर वो पार्टी खत्म हो गई और सबसे ज्यादा फायदा जनता पार्टी का, सबसे ज्यादा फायदा जनसंघ को हुआ और उसने बाद में भारतीय जनता पार्टी बनाई। मालूम है इसके बारे में इतिहास? मधुलिमय ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया था, दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाकर कि बीजेपी के लोग आरएसएस से भी जुड़े हैं, जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, इनके पास दोहरी सदस्यता है जी। तो जनसंघ तो जनता पार्टी में विलीन करने के बाद भी अपने मदर ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं हटा, समझ रहे क्या जी? मगर ये तो परशुराम की मूर्ति बनाएंगे और राम के आदर्शों पर योगी को चलना चाहिए, कौन सा आदर्श है राम का? चंबुक की हत्या करने का, सम्राट बृहदत्त मौर्य की अल्पकालीन बच्चे की हत्या करने का और अपने प्रेग्नेंट सीता को जंगल में भेजने का, यह आदर्श था राम का? ये सब राजनीति में तो ये सब चलता रहता है हम समझते हैं, मगर उसको बोलते रणनीति।
तो रणनीति यही तो फर्क बता रहा हूँ, मैं यही फर्क बता रहा हूँ, बीएसपी यही फर्क बता रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ रहा है वो बता रहा हूँ। नहीं नहीं देखो बीएसपी मैंने बीएसपी फर्क भी यही बताया, कहती है ना। जी जी पहले सुन लो, मेरी बात सुन लो, पहले सुन लो। जनसंघ जनता पार्टी में विलीन हुआ, अपना ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी नहीं छोड़ा। जी बीएसपी के बारे में ये कहा जा सकता है? सुनो तो मुझे ये बताओ, छोटी मछली बड़ी मछली को निकल जाती है? छोटी मछली बड़ी मछली को निकल जाती है? जी हाँ, नहीं पॉसिबल, वो निकलती है दुनिया में। ब्राह्मण का सेंट्रल में गवर्नमेंट है, लेकिन छोटी मछलियां बड़ी संख्या में अगर आ जाए तो पॉसिबल भी है ऐसा, बहुत बड़ी संख्या में जब आ जाती हैं तब हो सकता है बॉम्ब से और तमाम सारे लोग मिल जाए तो संभव भी है। आप हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। देखिए बड़ी मछली ही छोटी मछली को खाती है, लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो बहुजन ही बहुत बड़ी संख्या में है और बड़ी मछली तो बहुजन ही है। आप हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। हाँ मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, आज की, आज की जी। आप भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य में अगर 85% इकट्ठा हो गया तो बड़ी मछली बन जाएगी ना। तो आप तो प्रयास कर ही रहे ना, आप तो इसके लिए प्रयास कर ही रहे ना। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूँ, मायावती की छोटी मछली बड़ी मछली को निगल सकती है नहीं सकती, इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। कोई अकेला तो नहीं कर सकता ना ऐसा, वो तो आप मिल जाएंगे तो आसान हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, मायावती के समर्थक ये कहते हैं जी कि हम तो ब्राह्मणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको और एक तथ्य बताता हूँ, आप लोगों को, पत्रकारों को यह जानकारी है या नहीं है, बीएसपी को ब्राह्मण कभी वोट नहीं डालते। जब बीएसपी किसी ब्राह्मण को टिकट देती है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण वोट डालते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए मान्यवर, आप पत्रकार लोग हैं, आपको हमारे पास जो डाटा है वो आप लोग लेना चाहिए। बीएसपी जब किसी ब्राह्मण को टिकट देती है तो ब्राह्मण उस ब्राह्मण को टिकट देते हैं। उत्तर प्रदेश में 18 लोकसभा की सीटें हैं रिजर्व, की एक भी नहीं आती, एक भी नहीं आती, क्यों? वो रिजर्व सीट में इनको शेड्यूल कास्ट के लोग वोट डालते हैं 21%। जी 21% से तो सीट आती नहीं है, मगर उस पर ब्राह्मण इनको वोट देता नहीं। बैकवर्ड क्लासेस को टिकट देती है मायावती, उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये लोग वोट नहीं डालते। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि छोटी मछली बड़ी मछली को निगल रही है या बड़ी मछली छोटी मछली का इस्तेमाल कर रही है, कि जो रणनीति आरएसएस और बीजेपी वाले अमल में लाए थे जनता पार्टी के दौरान, वो रणनीति और बीएसपी की रणनीति में बहुत बड़ा अंतर है। मायावती ने कहा ना, आती नहीं गणेश है। ब्राह्मणों ने कहा क्या, आती नहीं गणेश है? मायावती ने कहा, अरे तो ब्राह्मणों को कहना चाहिए था आती नहीं गणेश है, आती नहीं गणेश है मायावती कह रही है जी, ये कहना चाहिए ब्राह्मणों को, नहीं नहीं आती नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मायावती जब कह रही है, वे कौन सी विचारधारा जी, विचारधारा किधर है? नहीं तो दूसरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, और आगे सुनो जी। शेड्यूल कास्ट के लोगों के बाहर काशीराम जी ने बैकवर्ड क्लास के लोगों को, शेड्यूल कास्ट में एक चमार जाती है महाराष्ट्र में बाहर है, तो चमार के आगे जो शेड्यूल कास्ट के लोग है 21% और ये 15-16%, तो सारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को इकट्ठा करने का जो अभियान था वो उसमें बहुत हद तक काशीराम जी सफल हो गए थे, उसके पीछे आ गई मायावती। आपको पता है रिजर्व सीट में 17 सीटें बीजेपी ने जीती और 17 सीटें बीजेपी की नॉन चमार शेड्यूल कास्ट ने जीती, पता है आपको जी। इसका क्या मतलब है? या मायावती को विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे साथ साथ सारे शेड्यूल कास्ट थे, आज हम चमार में रह गए। तो ये वो रणनीति, वो जो हमारी ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी छोड़ने का नतीजा है ना,
जब उन्होंने छोड़ दिया, क्या बीजेपी के नरेंद्र मोदी को इतनी हिम्मत है कि वो बीजेपी की आरएसएस की लाइन को छोड़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज कर सकता है? अगर आरएसएस इशारा कर दे तो दिल्ली में जो सपोर्ट करने वाले, जो नरेंद्र मोदी को आरएसएस के सपोर्ट करने वाले लोग है पार्लियामेंट में, वो अगर विड्रॉ कर दे तो सरकार चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ये जो है मायावती ने तो जो दूसरे की छोड़ो, काशीराम के सपोर्टरों को भी एसपी से निकाल दिया। आपको उनका भी कभी इंटरव्यू देना लिखाना चाहिए। बिल्कुल, मायावती ने कहा कि केवल मेरे प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों को भी एसपी में रखा जाएगा, काशीराम जी के प्रति निष्ठा रखने वाले को भी नहीं रखा जाएगा। तो मदर ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड है और वो समझौता करने वाला नहीं है। रणनीति समझ में आती है, रणनीति का मतलब है अपने उद्देश्य विचारधारा से समझौता किए बगैर अपना काम करना। जी, मायावती के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। जी जी जी, जब कांशीराम साहब थे उसी समय आपने उनको उनका साथ छोड़ दिया था, और वो क्या वजह थी, क्या कौन सी वजह? उस वक्त तो आइडियोलॉजी भी थी, कांशीराम साहब भी थे। अलीगढ़ में कांशीराम जी को एक शेड्यूल कास्ट के आदमी ने सवाल पूछा, जब बीएसपी नहीं बनी थी। जी, सवाल पूछा कि बीपी मौर्या आप ही की तरह बात करता था, धोखा देके चला गया कांग्रेस में, तो आप पर हम विश्वास क्यों करें? मुंह पर सवाल पूछा अलीगढ़ साहब, काशीराम जी ने खुद ही कहा हमको। तो काशीराम जी ने उसको जवाब दिया, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है। कहा कि मैं बामसेब बनाया हूं, बामसेब बना रहा हूं, अगर इस तरह से कोई धोखेबाजी करेगा तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा, बामसेब उसको निकालेगी। समझ रहे हो क्या? जी, मान्यवर कांशीराम साहब ने यह कहा था कि जो गद्दारी करेगा वो उसे बाहर निकाल देंगे, और बाहर आप निकल गए। तो बामसेब जो है ये कोई काशीराम जी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, जिंदगी लगाने वाले लोगों का संगठन था। तो जब केवल मायावती को प्रमोट करने का काम काशीराम जी ने किया, बामसेब के बहुत सारी बातों के विरोध में जब उन्होंने काम किया, तो बामसेब ने यह फैसला किया, काशीराम जी को नहीं छोड़ा। समझे क्या? बामसेब ने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसी के साथ कमिटमेंट करते हुए अपना बचाव किया, और 13 स्टेट और 140 जिलों में बामसेब थी उसको 31 राज्यों और 542 जिलों में पहुंचाया, इस आंदोलन को बचा लिया। कोई कहता है कि मायावती ने बचा लिया आंदोलन को, लोग कह रहे उनके सपोर्टर कि अभी मायावती से इस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। नहीं तो हमारे पास टेलीफोन कर रहे, कि अभी आपसे कोई उम्मीद है? नहीं, आपसे उम्मीद तो सभी को है, बट अगर उस वक्त कांशीराम साहब ने मायावती जी की जगह आपको प्रमोट किया होता तो आप रहते? हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर सोचते नहीं थे किसी एक आदमी को प्रमोट करने का, और गलतियों के साथ में, बहुत सारी गलतियां ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी का प्रवर्तन के साथ में समर्थन करने का समस्या थी। इस वजह से मामसेप ने अपने आप को, अपने वजूद को, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बचा के रखा। अगर वो खत्म हो गई होती, मामसेप थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, खत्म हो गई होती, तो फिर वो मूवमेंट का क्या होता जो आज हमसे लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अभी आपसे हमें भविष्य में अपेक्षाएं है? तो ये जो संभावना आज लोग देखते हैं, यदि हमने उस समय वो फैसला नहीं किया होता तो क्यों आपको लगा कि वो खत्म हो जाएगी, जबकि कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर इससे कोई गद्दारी करेगा तो उसको निकाल देंगे?
तो आपने ये क्यों सोचा कि जो बामसेफ है वो खत्म हो जाएगी? बामसेफ जिसके लिए बनाया गया था, हाँ, जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उस मकसद के लिए अड़ा रहा, तो और वो चाह बाद रहे में थे ऐसा मकसद छोड़ हुआ। दें। दर्शकों, बहुत सारी बातें और करेंगे हम माननीय वामन मेश्राम जी से। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी मिलेंगे।